वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर टॉर्क समझने के बाद में हमको एक ऐसा टॉपिक पढ़ना जरूरी है जिस टॉपिक की मदद से अर्थ मैग्नेटिज्म समझना आसान होगा। इसे कई बार मैग्नेटिक कंपास या कंपास निडल कहा जाता है, मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल। मैग्नेटिक कंपास भी कहा जाता है इसे। तो मैग्नेटिक कंपास बेसिकली क्या बताता है? ये एक तरह का शॉर्ट डायपोल होता है, वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है, रोम्बस स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका ये वाला पोर्शन रेड, ये वाला पोर्शन ब्लू और कई जगह पर ब्लैक भी होता है। यार सेंटर पे पाइवेटेड होता है, अटैच्ड होता है। इसे किसी सिलेंड्रिकल, ये किसी सिलेंड्रिकल या किसी, ये कह सकते हैं हम लोग, हाँ, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से पैक किया हुआ होता है। यहां इसके अबाउट ही पाइवेट हो सकता है। इसका ये हिस्सा नॉर्थ और ये इसका हिस्सा साउथ होता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक कंपास क्या करता है? तो मैग्नेटिक कंपास एक शॉर्ट डायपोल है, डायपोल है, इसमें टू पोल अवेलेबल है। तो इसका टेंडेंसी होता है कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। और अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल को रख देते हैं, तो नॉर्थ साउथ पोल रखने पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ मतलब प्लस एम और साउथ मतलब माइनस एम। इस पे लगने वाला फोर्स एम बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे लगने वाला फोर्स एम बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फिर ये इस एक्सेस के अबाउट रोटेट होते हैं, रोटेट होकर हम ये, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने आप को फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। मतलब थोड़े समय बाद, रोटेशन के बाद, इनकी डायरेक्शन वही होती है जो वहां पर फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो कुल मिलाकर कंपास नीडल का फंक्शन क्या होगा? कंपास नीडल को जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर फोर्स एक्ट हो रहे होंगे। नॉर्थ और साउथ पर फोर्स एक्ट होंगे, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। टॉर्क जीरो नहीं होगा, इसलिए घूमेंगे, अलाइन होंगे, अलाइन हो जाएंगे किस डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक नीडल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे कई बार मैग्नेटिक फील्ड ना कहते हुए नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे होते हैं। तो हम जब अर्थ मैग्नेटिज्म समझाते समय मैग्नेटिक कंपास यूज करेंगे तो मैग्नेटिक कंपास क्या बताएगी? मैग्नेटिक कंपास उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही होगी। अभी मान लीजिए, ऐसा हम समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है ना? बार मैग्नेट ऐसी है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। हमने एक पॉइंट ले लिया पी, वापस ले लीजिए कि एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम जानते हैं बार मैग्नेट में साउथ नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट पी पर हमें निकालनी है, ठीक है ना? अब पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हम बात करें तो हम जानते हैं ये एक्सियल कंडीशन हो गई कि ये पॉइंट पी इसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है और ये पॉइंट पी इसकी इक्वेटर पे लाई कर रहा है, बराबर है? तो हम जानते हैं एक्सियल कंडीशन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये रहा फर्स्ट मैग्नेट, ये रहा सेकंड मैग्नेट, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में कह देता हूं बी1 इस पॉइंट पर होगी। और इक्वेटर के केस में नॉर्थ से साउथ मतलब अपोजिट टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होती है। अपोजिट टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो इससे अपोजिट होती है मतलब इस तरफ फील्ड होगी। अब यहां चेक करो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट फील्ड B1 और B2 निकालने का सिंपल तरीका वेक्टर मेथड है। और वेक्टर मेथड की मदद से आप कैसे निकालोगे? तो वेक्टर मेथड की मदद से आप निकालोगे B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर ट्वाइस B1 B2 cos 90 डिग्री। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट फील्ड। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? टेन अल्फा निकालने का तरीका, ये B1 है, ये B2 है, ये रिजल्टेंट डायरेक्शन आ गई।
तो अगर आपने मैग्नेटिक कंपास को इस तरफ रख दिया तो मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह से पॉइंट हो रहा होगा, ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ या साउथ होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक कंपास किस डायरेक्शन में गया, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास आप यहां रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास इस जगह पे पॉइंट करने वाला है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, जिसका सबसे ज्यादा यूज अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने में किया जाता है। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव